हाँ जी, तो आप सभी को मेरा नमस्कार। तो हम लोग चैप्टर हेलोएल्केन्स और हेलोरीन्स कर रहे थे और 3 लेक्चर्स हम अपलोड कर चुके हैं ऑलरेडी, और आज आखिरी लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का। हमने इस चैप्टर में कोशिश किया है जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को कंप्लीट किया जाए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो लर्निंग करनी पड़ेगी आपको, लर्न करके क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कम भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, तो बहुत कम टाइम में हमने अभी तक चैप्टर्स निपटाए हैं और ये वाला भी हम बहुत शॉर्ट टाइम में चैप्टर निपटाएंगे, ताकि आप एग्जाम के टाइम पे बहुत जल्दी रिवीजन कर सको, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, सारी चीज़ जो चैप्टर में जरूरी है वो हमने आपको कराई। तो स्टार्ट करते हैं। हेलोएल्केन्स सब कर चुके थे, हेलोरीन्स पढ़ाना था, हेलोरीन से स्टार्ट करते हैं। हेलोरीन्स में सबसे पहले आता है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जैसे हमने बताया प्रिपरेशन पढ़ेंगे। हेलोरीन्स कैसे बनता है? सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट हेलोजिनेशन। डायरेक्ट हेलोजिनेशन से बनेगा। डायरेक्ट हेलोजिनेशन में क्या करना है आपको? बेंजीन लेना है, बेंजीन में Cl2 ऐड करना है, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एज अ कैटलिस्ट यूज होगा। ठीक है ना, ये हमको क्या जनरेट करके देता है? ये हमको कार्बोकैटायन जनरेट करके देता है, Cl का प्लस। अगर आपने 11th पढ़ी हो तो वहां पे आपने सीखा होगा, यहाँ पे फिलहाल आपको जरूरत नहीं है। आप फिलहाल याद रखना बस कि बेंजीन में Cl2 ऐड करो, प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 होगा क्या? एक एच के साथ एक Cl बाहर जाएगा, सब पे एक एक एच होता है बेंजीन पे, अगर आपको पता हो तो, है ना। ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में हाइड्रोजन नहीं दिखता। एक एच के साथ एक Cl बाहर हो जाएगा, एक Cl आपका बचा, जहां से एच निकालोगे वहां पे Cl लगा देना। सेम अगर Br लगाना है तो आपको Cl2 की जगह क्या डालना होगा? Br2 डालना होगा, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlBr3 यूज कर सकते हो आप, या FeBr3 डालना पड़ेगा, या तो फिर आप AlBr3 भी यूज कर सकते हो। ठीक, इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। तो लुईस एसिड कैटलिस्ट है, ये यूज करेंगे, होगा क्या? एक एच के साथ एक बीआर बाहर हो जाएगा, जहां पर से आपका एच निकालोगे वहां पे बीआर जोड़ देना। ठीक, अब आपके दो हेलोजन जोड़ रहे हैं आई और एफ। आई और एफ को आप डायरेक्ट हेलोजिनेशन मेथड से नहीं लगा सकते। एफ को क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि अगर आप एफ को लगाने जाओगे तो एफ की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पे एक एफ भी लग जाएगा, किसी का मोड में दो भी लग जाएंगे, तीन भी लग जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा? मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेगा। क्या मिलेगा? मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, उसको सेपरेट करना मुश्किल होगा। बेसिकली फ्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है तो कंट्रोल करना मुश्किल होता है, बहुत सारे आपको लगाना एक है, वहां पे एक एक दो दो तीन तीन चार चार लगने लग जाएंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे, तो इसलिए एफ को नहीं लगाते। ये मेथड अच्छा नहीं माना जाता है एफ को लगाने के लिए। आई बेंजीन के ऊपर आई लगाने के लिए भी मेथड अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि आप अगर आई को लगाओगे तो जैसे इसमें HCl बना, इसमें HBr बना, उसमें क्या बनेगा? HI बनेगा। और हमें पता है HI क्या होता है? बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, या फिर ऐसे कह लो वो HI का बॉन्ड लेंथ बहुत वीक होता है, तो HI का बॉन्ड जल्दी टूट जाता है और HI वापस से किसमें कन्वर्ट हो जाता है? I2 में कन्वर्ट हो जाता है, तो रिएक्शन को रिवर्सिबल कर देता है ना, रिड्यूसिंग एजेंट है, सामने वाले को रिड्यूस कर देता है, मतलब खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। खुद ऑक्सीडाइज होने का मतलब अगर आप HI यूज करोगे तो HI में इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, है ना, और अगर आप इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है वापस I2 में कितना होता है इसका? 0, तो -1 से 0 में जाता है। ठीक है ना, तो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देता है। देखो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया ना इसका, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और सामने वाले को रिड्यूस कर देता है। तो आई और एच को लगाने के लिए मेथड अच्छा नहीं माना जाता, आपको ClBr लगाना, इस तरीके से लगा लेना। सेकंड मेथड है आपके पास डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट क्या होता है? बेंजीन के ऊपर एन ट्रिपल बॉन्ड एंड Cl-, जिसे हम क्या कहते हैं? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक, ये कैसे बनाना होता है आपको? एनिलीन को, एनिलीन क्या होता है? बेंजीन पे NH2, उसमें आप क्या ऐड कर दो? HONO+HCl ऐड कर दो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, आपको क्या मिल जाएगा? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड मिल जाएगा। फिर आप बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से क्या क्या लगा सकते हो? एफ भी लगा सकते हो, Cl भी लगा सकते हो, Br भी लगा सकते हो, I भी लगा सकते हो। देखो सारे मैंने बताए यहाँ पे। सबसे पहले आप कैसे लगा सकते हो? अगर आपको Cl लगाना है तो आप क्या करो? CuCl के साथ हीट कर दो, होगा क्या? आपका N2 निकल जाएगा, N2 निकल गया। ठीक, और ये वाला जो Cl है यहाँ पे जाके लग जाएगा। अब आप कहोगे सर ये वाला Cl है, ये भी तो लग सकता था। ठीक है, ये वाला नहीं लगता, Cl कौन सा लगता है? ये मतलब जो Cu के साथ कंपाउंड होता है वो बेंजीन के ऊपर जाके लगता है। अगर ये वाला लगता होता तो इसमें मैंने देखो CuBr के साथ भी रिएक्शन करी है, तो इस अगर ये वाला Cl लग रहा होता तो यहाँ पे भी तो Cl लगता, क्योंकि इस पर तो अभी भी Cl है, लेकिन यहाँ पे क्या लगा? Br लगा। तो यहाँ से हमें प्रूफ होता है कि जो ये Cl और Br जो आ रहा है वो ये वाला नहीं है, वो ये वाला है। ठीक है ना, सीयू के साथ हम कंपाउंड ले रहे हैं। ठीक, तो अगर आपको Cl लगाना है, CuCl हीट कर दो, N2 निकल जाएगा, Cl लग जाएगा, आपको याद ही रखना होगा ये। ठीक है ना, CuBr हीट कर दो, N2 निकल जाएगा, Br लग जाएगा। इन दोनों रिएक्शन को हम सैंडमेयर रिएक्शन भी बोला जाता है, नेम रिएक्शन के नाम से भी आती है। ठीक, फिर हमारे पास अगर आपको आई लगाना है, आई लगाना है तो क्या डाल दो? Ki डाल दो। Ki डालोगे तो क्या होगा? N2 बाहर हो जाएगा, K के साथ Cl बाहर हो जाएगा, जहां से सब कुछ निकला वहां पे क्या लग जाएगा? आई जाके आपका लग जाएगा, हाइड्रोबेंजीन बन गया। नेक्स्ट आपको क्या लगाना है? एफ लगाना है। एफ लगाने के लिए आप HBF4 या NaBF4 दोनों में से कुछ भी डाल सकते हो। कैसे बनेगा देखना, सबसे पहले तो N2 निकलेगा, N2 निकलेगा, BF3 निकलेगा, N2 निकलेगा, BF3 निकलेगा। अभी यहाँ पे एक F बचा, ठीक, और यहाँ पे क्या बचा? एक Cl बचा और एक HB बचा। अगर आप HBF4 यूज करो तो H के साथ Cl बाहर हो जाएगा। क्या बाहर हो जाएगा? H के साथ Cl। अभी एक F बचा, 3 F निकाले थे ना, एक F आपका बचा हुआ, वो F जाके कहाँ लग जाएगा? जहाँ पे से वो सारा कुछ निकला है। NaBF4 यूज करोगे तो HCl की जगह पे NaCl निकाल देना, बस इतना ही चेंज आएगा।
ठीक। तो ये आपके हो गए प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के एक दो तरीके हैं, आप डायरेक्ट से भी बेंजीन से लगा सकते हो लेकिन सीएलबीआर लगा पाओगे, और अगर आप डेजोनियम क्लोराइड बना लेते हो डेजोनियम से फिर आप चारों लगा सकते हो, सीयूसीएल सीयूबीआर डालना है, केआई डालना है या एचबीएफ4 इनमें से डालना है आपको सब। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर आपको याद हो तो वहां पे हमने हेलो एल्केन्स में पढ़ी थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो वही यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको याद होगा हम क्या करते थे, ऐसे हेलो एल्केन लेते थे, उसमें क्या डालते थे, एक्वस क्यूएच डालते थे, है ना, एक्वस क्यूएच डालते थे, तो क्या हो जाता था के साथ सीएल हो जाता था और जहां से सीएल निकला वहां पे ओएच लग जाता था। हमने वहां पे आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था एक्वस क्यूएच अल्कोहलिक क्यूएच दोनों पढ़ाए थे। ठीक है ना, तो एक्वस क्यूएच में आपको याद होगा यही होता था, सब्स्टिट्यूशन होता था, के साथ सीएल निकल जाता था और वहां पे क्या लग जाता था, OH लग जाता था। अगर आप यही काम बेंजीन में कराने जाओ, हेलोअरीन में कराने जाओ, ठीक है ना, जब बेंजीन के ऊपर सीएल लगाओ तो ये काम नहीं हो पाता है। ठीक है ना, देखो अगर आप बेंजीन में कराने जाओगे तो होना तो यही चाहिए था, के साथ कायदे से तो के साथ सीएल निकलना चाहिए, OH लगना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा, नो रिएक्शन, ये रिएक्शन इतनी ईजिली नहीं होती है। ठीक, तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन में हो जाती है इसमें इतनी आसानी से नहीं होती है, उसका रीजन क्या है, चलो रीजन समझते हैं क्यों नहीं होता। हैलोरिन्स में देखो लिखा हुआ है, हैलोरिन्स में क्यों नहीं होता, क्योंकि हैलोरिन्स में जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड होता है, ये कार्बन हैलोजन का सी एक्स बॉन्ड है ना, अगर आपको नोटिस करो ये वाला जो बॉन्ड है ऐसा बनाया हुआ है ना इसको, ये सी एक्स बॉन्ड है, ये आपके पास हैलोजन है और ये कार्बन है, इन दोनों का बॉन्ड है, और आपको पता होगा इसके पास लोन पेयर भी होते हैं ना, तो जिसके पास लोन पेयर होते हैं इधर से लोन पेयर देता है और यहां से डबल बॉन्ड ले लेता है, तो यहां पे क्या हो जाता है, रेजोनेंस हो जाता है इस तरीके से, है ना, यहां पे आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां पे जिसने दिया उस पर प्लस, इसने लिए है तो इस पर माइनस, और ये अपना बॉन्ड यही पे है ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस। देखो रेजोनेंस की वजह से क्या और भी रेजोनेंस बनेंगे, हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमें फिलहाल यही देखना, यही हम समझ जाएंगे। देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहले यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड था, अब कैसा आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, कंप्लीट डबल बॉन्ड नहीं है, बाद में वापस सिंगल हो जाएगा, है ना, तो पार्शियल, इसलिए हम कंप्लीट डबल बॉन्ड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे, पार्शियल डबल बॉन्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड। तो एक तरीके से क्या आ गया, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया, और हमें सीधी सी बात पता होती है सिंगल बॉन्ड के कंपेयर में डबल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो तोड़ना मुश्किल है, जब ये टूटेगा नहीं तो आपका OH लगेगा कैसे, होता तो यही था ना, ये वाला बॉन्ड टूटता था तभी तो OH जाके लगता था, अब ये तो स्ट्रॉन्ग हो गया, हैलोरिंग्स के केस में क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो फिर ये टूटता नहीं है तो फिर इसलिए जल्दी से OH नहीं लग पाता है। ठीक, इसके और भी रीजन होते हैं बट उसकी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यही वाला रीजन याद रख लेना, इसी से आपका काम चल जाएगा, है ना, और भी दो तीन रीजन आप बुक पढ़ोगे तो आपको मिल जाएंगे, फिलहाल आपके लिए एक रीजन आप पेपर में लिखा तो सफिशियंट है, जरूरी नहीं है, इसी से मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। ठीक, तो ये आप ध्यान रखना, रेजोनेंस की वजह से इसके अंदर ऐसा होता है कि रिएक्शन नहीं हो पाती है। ठीक है, तो आप इतना नोट करो, मैं जब तक आगे का बताता हूँ। हाँ जी, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा था अभी हैलोरिन्स में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इतनी आसानी से नहीं होता है। ठीक है ना, जैसे उसमें हम सिर्फ एक्वस क्यूएच या एक्वस एनओएच डालते हैं, सीएल हटा के ओएच लग जाता है, लेकिन हैलोरिन्स में ऐसा नहीं होता है, सीएल हटा के ओएच इतनी आसानी से नहीं लगता है, क्योंकि अभी देखा हमने वहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया था, डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, तोड़ना मुश्किल होता है। ठीक, तो इजीली नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है, होता ही नहीं है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैलोरिन्स में होता है, लेकिन कब, या तो एक्सट्रीम कंडीशन में, क्या दो एक्सट्रीम कंडीशन में होता है, या तो फिर कब होता है, और इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है ना, इन दो कंडीशंस में होता है, या तो आप एक्सट्रीम कंडीशन दो या तो आप एक्टिवेटिंग ग्रुप लगाओ। अब इन दोनों कंडीशंस में ऐसा क्या हो जाता है कि जो चीज पहले नहीं हो रही थी होने लग जाती है कंडीशन देते ही, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो देखो यही था ना, सीएल था, एक्वस क्यूएच या एनओएच, आप एक ही चीज माना करो। ठीक है ना, यहाँ एनओएच डाला है, होगा क्या, एनए के साथ सीएल निकल जाएगा, जहां पे था ओएच, जहां पे सीएल निकलेगा वहां पे ओएच लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब एक्सट्रीम कंडीशन, देखो एक्सट्रीम कंडीशन दे दी हमने, टेम्परेचर कितना हो गया 623 केल्विन, डिग्री सेल्सियस में करेंगे इसको 323, और 300 से प्लस ही आएगा ये, है ना, 273 माइनस कर देना आप। ठीक, तो 300 से भी ज्यादा ही टेम्परेचर दिया हमने डिग्री सेल्सियस, मतलब 623 केल्विन हम एक्स्ट्रा टेम्परेचर दे रहे हैं, टेम्परेचर का मतलब हीट दे रहे हैं, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अभी आपने देखा था वहां पे डबल बॉन्ड आ गया था, है ना, रेजोनेंस में क्या आ गया था, यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे क्या आ गया था, डबल बॉन्ड आ गया था, और डबल बॉन्ड आने से क्या होगा, फिर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया था, अब स्ट्रॉन्ग हो गया तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी, तो हम हीट दे रहे हैं, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ना, एनर्जी तो दे रहे हैं, उसकी एनर्जी की जो डिमांड है वही तो पूरी कर रहे हैं, अब वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी। अगर आप एनर्जी ये दोगे तो आपका जो काम पहले नहीं हो पा रहा था, अब एनर्जी देने की वजह से वो बॉन्ड टूट जाएगा, जब टूट जाएगा तो OH तो लग ही जाएगा। ठीक है ना, तो एक्सट्रीम कंडीशन भी यही हुआ कि जो उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया था, स्ट्रॉन्ग हो गया तो तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो हमें ज्यादा एनर्जी मतलब टेम्परेचर और प्रेशर देके हमने वो एनर्जी की डिमांड उसकी पूरी कर दी। लेकिन हेलो एल्केन्स में एनर्जी की जरूरत नहीं होती, अपने आप ही हो जाता है, हैलोरिन्स में एक्सट्रीम कंडीशन मतलब ये एनर्जी देनी पड़ती है। इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, कौन सा ग्रुप लगा रहे हो आप, ईडब्ल्यूजी,
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आपका काम हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से क्या होगा, अगेन आओ देखो, ये रेजोनेंस हुआ, रेजोनेंस होने की वजह से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आया। अब अगर आपको याद हो तो ये Na+ NaOH टूटता है, Na+ प्लस OH- की फॉर्म में टूटता है, और ये OH- को इसके ऊपर अटैक करना है ना, रिंग के ऊपर, ठीक, इस रिंग के ऊपर अटैक करना है। अब इस रिंग के ऊपर क्या है, पूरे पर रेजोनेंस की वजह से नेगेटिव चार्ज घूमेगा, पहले नेगेटिव यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ, पूरे पर रिंग पे क्या आएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, रिपल्शन, रिपल्शन की वजह से इसको लग नहीं देगा रिंग पे, OH को लगना मुश्किल होगा, ये अटैक नहीं कर पाए, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव में होता है रिपल्शन। अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब जितना भी नेगेटिव चार्ज है सारा ये खींच लेगा, ठीक है ना। जब ये सारा नेगेटिव चार्ज खींच लेगा तो यहाँ पे क्या आने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा भाई, ठीक है ना, या नेगेटिव नहीं रह जाएगा, जब नेगेटिव नहीं रह जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, इसका अटैक पॉसिबल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर आप साथ में लगा दोगे तो देखना क्या होने लग जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2, आपको दो ध्यान रखने हैं हमेशा, आपको 12th पूरी दो ग्रुप पे कट जाएगी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं, जितने भी हैलोजन वो होते हैं आपके पास, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में आप NO2 याद रख लो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में आप क्या याद रख लो, CH3, पूरी 12th तक आपको इन दो के अलावा कोई ग्रुप नहीं बनना पड़ेगा, ठीक है ना, इन दो ग्रुप से आपकी पूरी 12th जा सकती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग के नाम पे, आप ये दो ग्रुप याद रख सकते हो, बाकी तो बड़ा कंसेप्ट है, सारे याद रखने पड़ेंगे आपको, ठीक। तो फिर इसमें क्या होगा आपके पास, देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया आपने पैरा पोजीशन पे, एक NO2 लगाया, NO2 लगाने से जो काम पहले 623 केल्विन पे हो रहा था अब 443 केल्विन पे होने लग गया है ना, Cl की जगह OH लग गया। दो लगाए आपने तो जो काम 443 पे हो रहा था वो 368 पे हो गया, और एनर्जी की डिमांड घट गई है ना। जब आपने तीन तीन NO2 लगा दिए भाई, आपको तो NaOH की जरूरत नहीं पड़ी, ये तो वार्म वाटर, वाटर में जो OH- होता है वही जाके अटैक करने लग गया आप तो, ठीक है ना, अब तो आपको NaOH की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक। तो ये काम दो कंडीशंस में हो सकता है, कब, या तो आप एक्सट्रीम कंडीशन प्रोवाइड करो या तो एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा दो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस में। सेकंड रिएक्शन हमको जिसमें पढ़नी है वो कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमें कौन कौन सी, जब भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की बात है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात है, ईएस कहते हैं इसे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात है, तो आपके दिमाग में तुरंत पांच वर्ड आने चाहिए, कौन कौन से, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन। ये जब भी आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात आई, आपको पांच वर्ड हमेशा दिमाग में आने चाहिए, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन। और इनमें क्या क्या लगता है, हेलोजिनेशन में हेलोजिनेशन, हेलोजन का एडिशन, हेलोजन क्या होते हैं, CLBr, ये सब लगेंगे। नाइट्रेशन में NO2 ग्रुप लगेगा, नाइट्रो ग्रुप। सल्फोनेशन में सल्फोनिक ग्रुप लगेगा, SO3H लगेगा, ठीक। और हमें पता है जब भी हेलो एल्केन या हेलोरीन हो उसमें जो ग्रुप लगेगा वो ऑर्थो और पैरा पे लगेगा, ठीक, क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। हेलो एल्केन्स कैसे होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, आने वाले ग्रुप को ऑर्थो पैरा पे लगा देते हैं, क्योंकि जब आप नेगेटिव चार्ज लाओगे तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ये सब आपने 11th क्लास अगर पढ़ी होगी तो वहाँ सीखा होगा, ठीक। अगर आपने वहाँ सीखा है तो आपको वहाँ पे सारे रीजन मिलते हैं इसके, ठीक है ना, कि कौन सा ग्रुप आने वाले ग्रुप को कहाँ पे लेके आएगा, ठीक, हमने सब सीखा हुआ 11th में। और अगर आपने नहीं सीखा तो फिलहाल आप इसको याद रखो कि हेलोजन, ये हेलोजन कहाँ पे लगाते हैं, ऑर्थो और पैरा पे लगाएंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे, जो भी ग्रुप आएगा हेलोजन में CLBr आएगा, नाइट्रेशन में NO2, यही ग्रुप्स आएंगे, और कहाँ पे आएंगे, ऑर्थो और पैरा पे आएंगे, ठीक। तो आप क्या करोगे, Cl2 डालोगे इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ClCl3, तो आपका Cl लग जाएगा कहाँ पे, ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो पे भी लगेगा, पैरा पे भी लगेगा। ऑर्थो पैरा में पैरा वाला आपको पता है मेजर होता है, पैरा वाला मेजर क्यों होता है, क्योंकि इसमें दो पास पास होते हैं ना, इसमें क्या है, दूर दूर है, तो स्टेरिक इंटरेंस कम हो गया है ना, स्टेरिक फैक्टर की वजह से ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर की वजह से भी होता है, दो फैक्टर्स होते हैं, ठीक। अगेन 11th का कंसेप्ट है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, जब भी आप क्या क्या डालोगे, क्या बनेगा, जो बनेगा वो ऑर्थो पैरा पे बनेगा, ये तो पता ही है, और मेजर कौन सा होगा, मेजर हमेशा पैरा वाला होगा, मेजर मीन जो ज्यादा बनेगा, ज्यादा हमेशा पैरा वाला बनेगा, ठीक। तो हमारे पास नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में क्या डालते हैं, क्या रिएजेंट होता है, कंसेंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसेंट्रेटेड H2SO4, और ऑर्थो पैरा पे NO2 लग जाएगा, पैरा वाला मेजर होगा। सल्फोनेशन में SO3H लगता है, SO3H लगाने के लिए हमको क्या करना होगा, SO3H लगाने के लिए कंसेंट्रेटेड H2SO4 डाल देना होगा, कंसेंट्रेटेड H2SO4 जब डालेंगे तो ऑर्थो पैरा पे SO3H लग जाएगा, ठीक। तो इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं, जब तक आप नोट करो मैं आगे का दोबारा बताता हूँ। हाँ जी, तो थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे, फ़ोन की बैटरी खत्म हो रही है, जो बचा कुछ है थोड़ा सा चैप्टर रहेगा, जल्दी से कंप्लीट करते हैं। फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप लगता है, एल्काइल ग्रुप कौन सा होता है हमारे पास, CH3 या C2H5, इस तरीके के ग्रुप एल्काइल ग्रुप कहते हैं। कैसे लगते हैं हमारे पास, CH3Cl लेंगे, एक H के साथ Cl, ये सब पे जगह H है, एक H के साथ Cl निकल जाएगा और CH3 आपका जाके लग जाएगा ऑर्थो पे या पैरा पे, देखो ऑर्थो पैरा पे, हमें पता है पैरा वाला मेजर है, ठीक। तो इसके अंदर एल्काइल ग्रुप लगता है। फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन में आपका एसाइल ग्रुप लगता है, एसाइल ग्रुप क्या होता है, COCH3, एसाइल ग्रुप किसे कहते हैं, COCH3 को कहते हैं। तो इसमें क्या होता है हमारे पास, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड ClCl3 हम क्या लेते हैं, CH3COCl,
ये पूरा कम ग्रुप जो होता है यहाँ पे एच के साथ एक सीएल निकल जाता है, एच के साथ सीएल निकल जाता है, एचसीएल बचा क्या सीओ सीएच3 हमारा ग्रुप बचा, ये जाके लग जाएगा कहाँ पे, ये लगेगा ऑर्थो पे और पैरा पे, पैरा वाला मेजर होता है ठीक। आप यही काम किसके साथ करा सकते हो, ये एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ भी करा सकते हो, आपका ये पूरा कंपाउंड ये निकल जाएगा सीएस3 सीओएचएच यहाँ से निकलेगा, CH3COH बाहर हो गया, आपका क्या बचा, अगेन COCH3 बचा, यहाँ पे लग और तो और पैरा पे लग जाएगा, पैरा वाला मेजर होगा ठीक। तो इन दोनों में एसाइल ग्रुप लगता है, एसाइल ग्रुप क्या होता है COCH3, इन दोनों से रिएक्शन करा सकते हो, याद रखनी होंगी आपको, बिना याद रखे काम नहीं चलने वाला। रिएक्शंस विद मेटल, तीसरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो गए, अब लास्ट रहता है रिएक्शन विद मेटल, मेटल के साथ फिटिक रिएक्शन, जैसे वहां पे आपने वुड्स रिएक्शन देखा था, कार्बन डबल कर देता है ना, वुड्स रिएक्शन में क्या था, एल्काइललाइट था, 2Na डालते थे, उसी को उल्टा करके लिखते थे, NaCl निकल जाता था, बाकी का जोड़ देते थे, सेम इसमें अगर आप हेलो एल्केन के अलावा आपके पास हेलो अरिंस है तो आप क्या कहते हो, वुड्स नहीं कहते, उस रिएक्शन को क्या कहते हो, फिटिक रिएक्शन कहते हो। देखो क्लोरोबेंजीन है, 2Na डाला, उसी को उल्टा करके लिखा, 2NaCl निकल गया, बाकी का जोड़ दिया, क्या बन गया, बाइफिनाइल टू डाइफिनाइल, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, कई बार तो डायरेक्ट कन्वर्जन में आती, कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन टू बाइफिनाइल या डाइफिनाइल, तो आपको एज इट इज ये वाली रिएक्शन उतार देनी है वहां पर ठीक। बहुत बार रिएक्शन आई हुई है एग्जाम में, बोर्ड में भी आई हुई है। नेक्स्ट होता है वुड्स फिटिक, वुड्स में आपको याद होगा हमने हेलो एल्केन्स में कराया था, फिटिक में हेलोरिन्स में कराया। अगर एक आपके पास एरोमेटिक है, एक एलिफैटिक, मतलब एक हेलो एल्केन है, एक हेलोरिन है, तो आपको एक रिएक्शन करानी है, तो 2NaCl बाहर हो जाएगा, बाकी का पार्ट इसके साथ CH3 जुड़ जाएगा देखो ठीक। तो इसे हम क्या कहते हैं, वुड्स फिटिक रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है पॉलीहेलोज, आखिरी टॉपिक है चैप्टर का, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, जो बच्चे बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ना चाहते, सब कुछ करके जाना चाहते हैं, वो करके जाएगा, मुझे नहीं लगता है इसमें एग्जाम में कुछ आने वाला है, तो मैं बहुत शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ, तो आप अगर करना चाहो तो कर सकते हो इसको याद, अदरवाइज मेरी तरफ से तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं ये ठीक। तो आपको कौन कौन से कंपाउंड, पॉलीहेलोजन कंपाउंड, मतलब जिसमें एक से ज्यादा हेलोजन लगे हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। तो पहला हमें पढ़ना है डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन में हमारे पास दो सीएल होते हैं, CH2Cl2 फॉर्मूला होता है, कहाँ यूज होता है, यूजेस याद रख लेने आपको, यूज कहाँ पे होता है, सॉल्वेंट की तरह यूज होता है, फार्मा इंडस्ट्री में होता है, फूड में भी यूज होता है ठीक। ट्राइक्लोरोमीथेन या इसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं, CHCl3 बड़ा फेमस कंपाउंड है, इसका आप याद रख सकते हो, ये नोट यूजेस आप याद रख लेना, ये नोट याद कर सकते हो आप, ये नोट काफी इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ये आपका रीजनिंग में क्वेश्चन आ सकता है ठीक है ना। रीजनिंग में क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्लोरोफॉर्म को डार्क ब्राउन बॉटल्स में स्टोर क्यों करते हैं, ताकि उसको सनलाइट से बचाना होता है आपको ठीक है ना। तो आपने जनरली देखा होगा जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपकी लैब में रखे होते हैं, वो सारे के सारे डार्क ब्राउन बॉटल्स में रखे होते हैं, क्यों रखे होते हैं, क्योंकि उन्हें हमें सनलाइट से प्रिवेंट कर प्रोटेक्ट करना होता है, बिकॉज सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है ठीक। तो उनको ऑक्सीडाइज होने से बचाना होता है, इसलिए हम उसको कहाँ रखते हैं, डार्क ब्राउन बॉटल्स में रखते हैं। और इसके केस में क्लोरोफॉर्म के केस में क्या बन जाता है, COCl2 गैस बन जाती है, COCl2 गैस पॉइजन गैस होती है, जो कि काफी हाईली पॉइजनस गैस होती है ठीक है ना। तो इसलिए हमको इसको डार्क ब्राउन बॉटल्स में रखना होता है, ताकि सनलाइट से प्रिवेंट कर सके, प्रोटेक्ट कर सके और ऑक्सीडेशन ना हो पाए इसका। नेक्स्ट हमारे पास ट्राइक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें क्या होता है, ये नॉन इन्फ्लेमेबल है, जलती नहीं है, तो फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं इसको। ट्राइआयोडोमीथेन आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म को एंटीसेप्टिक में यूज करते हैं, आपने टिंचर ऑफ आयोडीन सुना होगा ठीक है ना, टिंचर ऑफ आयोडीन इस तरीके का ही कंपाउंड होता है, आयोडीन यूज करते हैं उसके अंदर और इथेनॉल आई थिंक यूज करते हैं ना, तो एंटीसेप्टिक, ये भी आयोडीन के कंपाउंड जनरली एंटीसेप्टिक की तरह यूज होते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन वगैरह आपने पहले पढ़ा भी होगा ठीक। थोड़ा सा रह गया, एक दो कंपाउंड्स और बताते हैं फिर आगे करते हैं। तो आखिरी दो हमारे पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स रह गए, जिसमें एक है फ्रियोन और एक है DDT। फ्रियोन्स क्या होता है, क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स ऑफ मीथेन एंड ईथेन, मतलब क्लोरीन और फ्लोरीन के साथ, या तो मीथेन होगा एक कार्बन होगा, दो कार्बन होगा, क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड मीथेन ईथेन के क्या होते हैं, फ्रियोन्स। फ्रियोन्स के कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, फ्रियोन्स को रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशंस में यूज करते थे, और आजकल फ्रियोन का यूज हमने कम कर दिया है, क्यों कम कर दिया, क्योंकि ये ओजोन डिप्लेशन करता है, आप सबको पता होगा बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो ठीक। फिर हमारा लास्ट कंपाउंड है DDT। DDT इंपॉर्टेंट है भाई, DDT की आपकी फुल फॉर्म ही इतनी बड़ी हो जाती है, कई बार ये नहीं पता होता DDT की फुल फॉर्म होती है, पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये आपको स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर आप याद कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका कोई नंबर ना कटे, बाई चांस भी आ जाए अगर, तो स्ट्रक्चर मेरे को लगता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है ठीक, कभी ना कभी आ सकता है, अभी तक तो नहीं आया है। और फिर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है DDT के। DDT एक इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्ट्स को किल करने के लिए यूज होता है, बट कुछ इंसेक्ट्स में इसके खिलाफ रेजिस्टेंस आ गया था, मतलब वो इससे मर नहीं रहे थे ठीक है ना, और हाईली टॉक्सिक होता है नेचर में, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, खत्म नहीं कर सकते इसको हम, और मेटाबोलाइज नहीं होता, नॉट मेटाबोलाइज बाय एनिमल्स मेटाबोलाइज नहीं कर सकते, और ये फैट टिश्यू में जाकर स्टोर हो जाता है, देखो फैट टिश्यू में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो DDT को हम खत्म नहीं कर सकते है ना, आपने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा बायोमैग्निफिकेशन, DDT जैसे हम कहाँ डालते हैं, पहले खेतों में डालते हैं, फिर खेतों में पानी के थ्रू वो वाटर बॉडीज में जाता है, वाटर बॉडीज से फिर फिशेज में जाता है, फिशेज से फिशेज को बड़ी फिश खाती है, बड़ी फिश को बर्ड खाता है, और फिर बर्ड खाता है तो बर्ड में जब DDT पहुंचता है तो बर्ड के जो अंडों की प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है, अंडे उसके वक्त से पहले टाइम से पहले फूट जाते हैं ठीक है, इसी प्रोसेस को बायोमैग्निफिकेशन कहते थे 10th क्लास में वहाँ पढ़ा करते थे ठीक। तो ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा चैप्टर, मैंने बहुत कोशिश करी है कि कम से कम टाइम में आपका चैप्टर कंप्लीट किया जाए,
और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और एक वीडियो इसकी मैं क्वेश्चंस की बना दूंगा। कोई क्वेश्चन आपको नहीं बनता है, आप सारे क्वेश्चन जो बचे हुए हैं जितने तो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे वो तो आप कर सकते हो। अब जो भी क्वेश्चन आपकी बुक के रह गए आप ट्राई करो, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर कोई एक दो क्वेश्चन बाई चांस नहीं भी होता है तो उसके लिए आप मुझे बता सकते हो। हाँ, कुछ इसमें कन्वर्जेंस एनसीईआरटी में ऐसी भी है, एक दो क्वेश्चन जो आगे के चैप्टर होने के बाद होंगे, है ना। तो ये रिलेटेड होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले चैप्टर से दूसरा रिलेट होता है, दूसरे तीसरा, क्योंकि अभी आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन वगैरह वाला कंसेप्ट नहीं पढ़ा है। तो मे बी एक दो कन्वर्जेंस ऐसी हो सकती है जो इस चैप्टर की ना हो, वो आगे के चैप्टर्स में आ जाएंगे आपके, ठीक। तो आप उसको लेके परेशान मत होइएगा, एक दो क्वेश्चन अगर नहीं बन रहे हैं कन्वर्जन के तो, क्योंकि वो आगे के चैप्टर के हो सकते हैं। जितना मैंने पढ़ाया मैक्सिमम आपके 98-99% क्वेश्चन हो जाएंगे। नॉमेनक्लेचर मैंने नहीं पढ़ाया, नॉमेनक्लेचर आप 11th में पढ़ते हो, वहीं से आप कोशिश करो, सारे क्वेश्चन आप करो, बाकी चीज़ें मैंने सारी इसमें कवर अप करी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को मेरा धन्यवाद।